दुनिया के मध्य बिंदु में स्थित होने की वजह से दुबई के पास एक विशिष्ट प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, जिसकी वजह से उसे वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार माना जाता है। अपनी व्यवसाय सहायक व्यापारिक पारितंत्र, प्रगतिशील व्यापारिक नीतियों और व्यापार के अनुकूल वातावरण के साथ दुबई व्यापार के भविष्य को आकार देने में मदद करता है। दुनिया भर की कंपनियों के लिए दुबई व्यापार का आदर्श स्थान बन चुका है। अब वित्त, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कई उद्योगों में क्षेत्रीय नेता बन जाने की वजह से दुबई आर्थिक विविधता का आदर्श नमूना बन गया है। सन 1972 में यूएई के स्थापित होने के कुछ ही महीनों के बाद भारत और यूएई ने सरकारी तौर पर राजनयिक संबंधों की स्थापना की। आज दुबई का द्वितीय विशालतम व्यावसायिक सहभागी भारत है। दुबई और इंडिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडिया के बिजनेस रिलेशन बहुत सालों से हैं, कम से कम 40-50 साल और उससे भी पहले से, जब इंडियन व्यापारी लोग दुबई में आके बिजनेस करते हैं एट एवरी लेवल। आज जो दुबई और यूएई का बिजनेस है, हर लेवल पे इंडिया और यूएई का बिजनेस ग्रो कर रहा है। यह मजबूत व्यावसायिक संबंध यूएई भारत के व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA के साइन होने के बाद और शक्तिशाली हो गया। यह 2022 से कार्यशील हुआ। इसका लक्ष्य है दोनों देशों के बीच 5 साल में $100 अरब तक द्विपक्षीय व्यवसाय बढ़ाना। यूएई भारत के संबंधों को सहयोग देता है DMCC, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन और व्यापारिक केंद्र है। दुबई के बीचों बीच स्थित एक अच्छी तरह से जुड़े हुए समुदाय के साथ दुबई के साथ व्यवसाय करने की सहायता के लिए DMCC ने बहुत गतिशील और अभिनव व्यापारिक परिस्थितियों और मूलभूत व्यवस्थाओं का सफलतापूर्वक विकसन किया है। उनके साथ उनके बहुत सारे यूनिक पैकेजेस है, जैसे उनको लो कॉस्ट में चालू करना है तो फ्लेक्सी पैकेज है, बिजनेस सेंटर या लीजिंग ऑफिस है, या अगर आपको इन्वेस्ट करके आपको आपकी खुद की ऑफिस है तो ये वन ऑफ द एक ही लाइक 2-3 फ्री जोन है जो आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज में बाय कर सकते हैं। की विश्व स्तरीय सेवाओं और अवस्थिति का लाभ उठाते हुए DMCC की सदस्य कंपनियां इसकी विश्व स्तरीय सेवाओं और अवस्थिति का लाभ उठाती है। DMCC एक ऐसी जगह है जो अवसर पैदा करती है, संबंध बनाने की जगह है। DMCC का जो रहने वाला एरिया है उसे कहते हैं जुमेरा लेक टावर्स, जो एक अमेजिंग प्लेस है किसी को भी रहने के लिए। यहाँ पर आप सारे फैसिलिटीज एंजॉय कर सकते हो, आपके लिए स्कूल्स है यहाँ पर, पार्क्स है, मेट्रो स्टेशन है, काफ़ी ग्रीन एरिया माना जाता है, नेचर फ्रेंडली, लेक्स है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर काम भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और रह सकते हैं हर रीत से खुशहाली से। और DMCC में बसी कंपनियों को अति आधुनिक व्यापारिक वातावरण मिलता है, जिसमें निवासी व्यवसाय 100% स्वामित्व बनाए रखती हैं, कोई निगमित और व्यक्तिगत कर नहीं देती है और पूंजी और मुनाफे के प्रत्यावर्तन पर कोई सीमा नहीं है। आज इस व्यापारिक जिले में विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों की कंपनियां हैं, कमोडिटी और कृषि से लेकर पेशेवर सेवाएं और वित्त तक, और टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो तक, और 3,500 से ज्यादा भारतीय व्यवसाय इस जिले में बसे हैं, ऐसी संख्या जो आने वाले सालों में तेजी से बढ़ने वाली है। मुझे, हम लोग को अभी 10 साल हो गए JLT में, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया कि JLT कोई सॉल्व नहीं कर सके। भारतीयों ने दशकों से UAE के लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित और समृद्ध बनाया है। सांस्कृतिक संबंध का एक हिस्सा यह तथ्य है कि 20 लाख से अधिक भारतीय लोग दुबई को अपना घर मानते हैं। सांस्कृतिक, राजनयिक और वाणिज्यिक दृष्टिकोण से UAE और भारत के बीच सहयोग और सफलता का समृद्ध इतिहास रहा है और ये संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। ऐसे जैसे हमारे दोनों देश नई परियोजनाओं और पहलों के माध्यम से आपस में जुड़ते जा रहे हैं, किसी भी भारतीय कंपनी के लिए जो विदेशों में विस्तार करना चाहती है और वैश्विक बाजारों से जुड़ना चाहती है, दुबई स्पष्ट रूप से पहली पसंद है। व्यापार का भविष्य में शामिल होने के लिए एक अच्छा मौका है, दुबई में आ जाओ, ये बिजनेस यहाँ शुरू करो। DMCC इस यात्रा में आपका साथ देने के लिए तैयार है। आज ही DMCC से जुड़े, व्यापार के भविष्य का हिस्सा बने।